الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا ابن عبد الله العربي الحاشمي الذي عبد الله ورسوله ارسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبت نبی حدائق ذات بہجا ما کان لکم انتم بتو شجرہا الہم اللہ بل ہم قوم یادلون۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات پر سوچے کہ آخر ان آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، کس کا ان پر اتنا کنٹرول ہے کہ یہ نہ جانے کب سے مکمل اور پرفیکٹ نظام میں بندھے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی ان کو کنٹرول کرنے والا ہے یا نہیں؟ ध्यान दे इंसान कि आसमान की बुलंदियों से बारिश का बरसना, ज़मीन का उपजाऊ होना और अपनी पैदावार उगाना, यह क्या बस ऐसे ही हो रहा है? जबकि इंसान की ताकत तो इतनी भी नहीं कि वो सारे इंसान मिलकर भी एक छोटे से पौधे की नन्ही सी कुंपल भी पैदा कर सके। क्या ये सब देखने के बाद भी इंसान को लगता है कि इस संसार के एक से ज़्यादा माबूद हो सकते हैं? फिर आखिर क्या वजह है कि इंसान अपने रब की खुदाई में दूसरों को दर्जा देते हैं? अम्मन जाल अल अर्ज करारा वजाल खिलालहा अनहारा वजाल लहा रवासिया वजाल बैनल बहरैन हाजिजा अइलाहुम अल्लाह बल अक्सरहुम ला यालमून। इंसान को ध्यान देने की ज़रूरत है अपने पैरों तले घूमती हुई ज़मीन पर कि दो गर्दिशें करने वाली ज़मीन को किसने इंसानों के लिए करार वाली बनाया है? आखिर वो कौन है जिसने इस ज़मीन में नहरों का जाल बिछाया है, और ये ऊंचे और मजबूत पहाड़ों को किसने ज़मीन में गाड़ दिया? और वो कौन है जो पानी के दो ज़खीरों के बीच में एक आड़ को हायल किए हुए है? क्या अब भी इंसान को लगता है कि इस निज़ाम को बनाने और चलाने वाला एक से ज़्यादा हो सकता है? इसके बावजूद इंसानों की अक्सरियत का हाल यह है कि वो हकीकत से आँखें चुराती है। अम्मन युजीबुल मुस्तर इज़ा दाअहू वयक्षिफु सुआ वयजअलुकुम खुलफा अल अर्ज अइलाहुम अल्लाह कलीलम मा तज़क्करून। इंसान को सोचना चाहिए कि उस एक मालिक के सिवा उसके बेचैन दिल की पुकार को कौन सुनता है, उसकी दुआ का जवाब देता कौन है, और कौन बुरे हालात को दूर करता है और इंसान को ज़मीन का चार्ज देता कौन है? उस एक मालिक के साथ कोई और भी है जो इनमें से कुछ भी कर सके? लेकिन बहुत ही थोड़े लोग इसे सोचकर इस बात को याद रख पाते हैं। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्र वल बहर वमन युरसिलुर रिया बुशरम बैन यदै रहमतिही अइलाहुम अल्लाह तआलल्लाहु अम्मा युशरिकून। क्या इंसान ने कभी सोचा कि खुश्की और समंदर के अंधेरों में कौन उसकी रहनुमाई करता है? और क्या इंसान ने इस पर भी ध्यान दिया कि बारिश से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता कौन है? क्या इन सब में उस एक मालिक के साथ साथ किसी और का भी रोल दिखाई देता है? यकीनन इंतहाई आला शान है उस एक अकेले मालिक की जो हर तरह की शराकतदारी और साझेदारी से पाक है। अम्मन यब्दउल खल्क सुम्म युईदुहु वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ अइलाहुम अल्लाह कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। सोचे इंसान कि वो कौन है जो क्रिएशन की इब्तिदा करता है और फिर उसको रिपीटिंग सिस्टम पर भी डाल देता है, और आसमान और ज़मीन के निज़ाम से रिस्क कौन फराहम करता है? क्या इंसान को अब भी लगता है कि उसमें उस एक मालिक के साथ किसी और का भी रोल है? और अगर लगता है कि है तो उसकी दलील और सबूत इंसान पेश करे। कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह वमा यशुरून अय्यान युबसून।
हकीकत यह है कि आसमान और ज़मीन के सारे गैब, सारे अनसीन अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, और ना ही किसी को ये पता है कि वह कब रिज़रेक्ट किए जाएंगे। बलिदार का इल्म हम फिल आखिरा बलहुम फी शक्किम मिन्हा बलहुम मिन्हा आमून। हकीकत यह है कि आखिरत के इल्म के बारे में उनकी एक हद और लिमिट है, बल्कि उसके ताल्लुक से शक और डाउट में पड़े हुए हैं, और हकीकतन वो उससे अंधे बने हुए हैं और अंधेरे में तीर चला रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने उस आखिरत के ताल्लुक से ख़बरदार करने के लिए अपने नबियों और रसूलों का सिलसिला हर दौर में जारी रखा और उन पर किताब हिदायत नाजिल फरमाता रहा, ताकि इंसान अपने रब की किताब पढ़कर अपने अंजाम के ताल्लुक से फ़िक्रमंद हो जाए। आज हमारे पास भी हमारे रब की किताब महफूज शक्ल में मौजूद है, जिसके नुज़ूल के महीने से अभी अभी हम गुज़रे हैं। उस माह में हम में से ज़्यादातर लोगों ने बड़े एहतमाम और जोश खरोश के साथ फ़र्ज़ इबादतों के अलावा एक्स्ट्रा इबादतें भी की, लेकिन जैसे ही ईद का चांद नज़र आया, हम में से ज़्यादातर लोगों का मामला लवल्लाव इलैही वहुम यजमहून की तरह का हो गया कि हमने हर किस्म की बंदिशों से ख़ुद को आज़ाद कर लिया, और जिस तरह जानवर रस्सी उड़ाकर भागता है वैसे ही हमारा मामला हो गया। जबकि हकीकी मोमिनों का मामला तो ये होना चाहिए, अल्लज़ीन हुम अला सलातिहिम दाइमून, वो अपनी इबादतों पर हमेशा कायम रहते हैं। अब अगर हमारा मामला इस तरह का है तो हमारा ये काम नहीं कि हम दूसरों को खुद से कमतर जाने, हमारे दिल में कभी ये ख्याल ना आए कि हम उनसे अच्छे हैं, वरना तकब्बुर आने में ज़रा देर न लगेगी। बल्कि हमारा मामला और सोच तो वही रहे जो नबियों और रसूलों की रही, कि उन्होंने कभी ख़ुद को दूसरों से अच्छा और अलग नहीं बताया, और वो सामने वाले के ताल्लुक से नासिहुन अमीन रहे। उनमें लोगों के लिए खैरखाई के जज्बात थे, वो लोगों को अमन शांति देने वाले थे और उन्हें अमन शांति का पैगाम सुनाने वाले थे। इसलिए कि दीन नाम ही है खैरख्वाही का, इंसान खुद भी अच्छा रहे और दूसरे के लिए भी अच्छा सोचे, क्योंकि जैसी सोच होगी अंजाम भी वही होगा। हम यहाँ इंसानों के खैरख्वाह प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात नकल करना चाहते हैं। अन अनसिन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही औ कमा कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भी वो पसंद ना करे जिसे वो खुद के लिए पसंद करता है। यहाँ कुछ तर्जुमों में अपने भाई की जगह तेरे मोमिन भाई कर दिया गया, जिससे हुआ ये कि अपने और गैर की भावना पैदा हुई, और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि ये अपने वाला है तो उसकी गलत बात और हरकत को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कुरान से देखें तो हमें मिलता है कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, आपने तमाम इंसानों से कहा कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर मुकर्रर किया गया हूँ। लिहाजा इंसानियत का रिश्ता सबसे ऊपर रहेगा, जिसका सबूत हमें अल्लाह की किताब कुरान करीम से ही मिलता है कि अल्लाह ने खुद फरमाया वस्कुर अखा आद, कि आद के भाई हूद अलैहिस्सलाम को याद रखो। व इला समूदा अखाहुम सालेहा, और समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर मबूस किया, और अल्लाह ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन कहा है, रहमतुल्लिल मोमिनीन नहीं कहा। बहरहाल वापस आते हैं हदीस शरीफ के अल्फाज पर, और इस उसूल को सुनने के बाद सबसे पहले मैं ख़ुद अपने आप से एक सवाल करूं कि क्या मुझे धोखा पसंद है? क्या किसी के कड़वे बोल मुझे पसंद है? क्या बेइज्जती पसंद है? क्या साजिशें पसंद है? गीबत पसंद है? ताने पसंद है? तो फिर अपने भाई के लिए क्यों? किसी के बोलने का अंदाज़ जो मुझे पसंद नहीं, वो अंदाज़ दूसरों के लिए क्यों? क्या मुझे अच्छा लगेगा कि कोई मुझे टॉन्ट करे? तो फिर दूसरों को टॉन्ट मैं क्यों मारता हूँ? क्या कोई मुझ पर तंज करे, मेरा मजाक उड़ाए तो मुझे पसंद आएगा? तो फिर दूसरों पर तंज करने और हंसने का मौका मुझे कहाँ से हासिल हो गया? क्या कोई मेरी बेइज्जती करे तो मुझे पसंद आएगा? तो फिर अपने भाई की बेइज्जती करने का हक मुझे किसने दिया है? मैं अपने लिए ही चाहता हूँ कि दूसरे मुझे माफ़ करें,
मुझे अप्रिशिएट करें, लेकिन मैं खुद दूसरों को माफ़ ना करूं, दूसरों के कामों को क्रिटिसाइज़ करूं, तो क्या ये सही होगा? कहीं ये दोहरा रवैया मुनाफिकत और डबल स्टैंडर्ड तो नहीं? इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की आजमाइश की खातिर उसकी फितरत में ये चीज़ वदियत कर दी है कि वह ओहज़रतिल अनफुसुश्शो, हर मामले को अपने हक में करने की लालच हर इंसान में इम्बाइब कर दी गई है। अब इस पर कौन कितना कंट्रोल रख सकता है, ये हर एक के अपने ऊपर है। हालांकि अगर इसी चीज़ को इंसान मजबूत और पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करे और उसके सामने उसकी आखिरत रहे, तो अपनी आखिरत के लिए इंतहाई सेल्फिश हो जाएगा और दुनिया की हर चीज़ को दाव पर लगाने को तैयार हो जाएगा। यकीनन जो शख्स अपनी आखिरत के ताल्लुक से सबसे ज़्यादा सेल्फिश होगा, वो इस दुनिया के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सेल्फलेस और फ्रूटफुल बन जाएगा। और जो लोग इस चीज़ को मजबूत और पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों की सिफत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वयूसरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन यूक शुह नफ्सिही फौलाइका हुमुल मुफ्लिहून। चाहे वो खुद परेशानियों का सामना कर रहे हों, इसके बावजूद वो अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं। बेशक जो कोई अपने आप की बखीली और सेल्फ सेंटर्ड वाली सोच से बचा लिया गया, तो इस तरह के लोगों को आखिरत की लाजवाब कामयाबी हासिल होगी। हम जितना दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनेंगे, उतना माहौल में सुकून आएगा। यकीनन कायनात की हर चीज़ हमें यही पैगाम दे रही है। सूरज अपनी रोशनी और तवानाई हमें दे रहा है, दरख्त हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, बारिश और नदियों का पानी हमारी प्यास बुझा रहा है। मगर जब इंसान खुद परस्त और खुद गर्ज बन जाता है, तो माहौल में बदमनी और इंतशार फैलता है, जिसे कुरान ने फसाद से ताबीर किया है और अपने पढ़ने वालों को कहा कि वला तुफसिदु फिल अर्ज़ बादा इस्लाहिहा, ज़मीन के वेलसेट होने के बाद उसे बिगाड़ने की कोशिश ना करो। और इसका एक इलाज ये है कि ऐसी सिचुएशन में इंसान खुद को सामने वाले की जगह रखकर सोचे। हम में से हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि सामने वाला हमसे मुस्कुरा कर बात करें। उसी वक्त हम सोचे कि जब हम दूसरों से बात करते हैं तो क्या हम मुस्कुरा कर बात करते हैं। हम में से हर एक को खुशगवार माहौल पसंद आता है, और अगर कोई ऐसा शख्स वहाँ आ जाए जिससे माहौल ख़राब होने का ख़तरा हो, तो हमारी सोच क्या होती है। कभी हम इस पर भी गौर करें कि हमारे जाने के बाद माहौल ख़राब तो नहीं हुआ करता, लोग हमारी मौजूदगी में अनकंफर्टेबल तो नहीं होते, और अगर ऐसा है तो हमें अपने आप पर मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत है। अच्छी और महज़ब गुफ्तगु हम में से किसे नापसंद होगी? किसी का ऊंची आवाज़ में बात करना हमें अच्छा नहीं लगता, किसी का गुस्सा करना हमें बर्दाश्त नहीं, किसी का हुक्मराना लहजा हमें पसंद नहीं, कोई हमारी गीबत तो बुराई करे ये हम नहीं चाहते। अब हम अपनी बातचीत पर ध्यान दें कि क्या वो भी महज़ब और पार्लियामेंट्री होती है या नहीं। किसी से बात करते वक्त हमें अपनी आवाज़ पर भी ध्यान रखना होगा कि कहीं वो ऊंची तो नहीं हो रही, इसलिए कि इन अनकरल अस्वातिल असौतुल हमीर, गधे की आवाज़ सबसे ज़्यादा नापसंद होती है। क्या हमारा अपने गुस्से पर काबू है या हम आपे से बाहर हो जाते हैं? क्या हमारा लहजा हुक्मराने या डोमिनेटिंग तो नहीं होता? यह हमें देखने की ज़रूरत है। दूसरों की बुराइयां और गीबत करने से हमें खुद को रोकना होगा, क्योंकि अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुल लहम अखी मैता, इस गुनाह को अपने मरे हुए भाई के गोश्त खाने से तशबीह दी गई है। इसके बावजूद हम इंसानों का हाल यह है कि आजकल लोग एक दूसरे को दुआ में कम और चुगली गीबत में ज़्यादा याद रखते हैं। आमतौर से हमारा मामला ये है कि कोई दूसरा जब इस तरह की हरकत करता है तो हम जज बनकर उसे गलत और मुजरिम ठहरा देते हैं, लेकिन वही काम जब हम करते हैं और कोई हमें टोकता है तो फिर हम वकील बनकर सफाइयाँ देने लगते हैं और कहते हैं कि इन अरद ने इल्ला एहसानम व तौफीका, हमारे इरादे तो बड़े नेक और मेल मिलाप करने के है,
और भूल जाते हैं कि वल्लाहु यालमुल मुफ्सिद मिनल मुस्लिह, इस्लाह की आड़ में फसाद करने वाले को अल्लाह अच्छी तरह जानता है। अभी हमारे पास वक्त है अपने आप को इन चीज़ों से बचाने का, क्या पता कब सांसों की डोर साथ छोड़ दे, इसलिए कि जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम ज़िंदगी है और जिसकी गारंटी है उसका नाम मौत है। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ाना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादहु अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा اللهم صل على محمد النبي الأمي الذي جاء بالهدى والفرقان وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك أنت السميع المستجيب الدعوات ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حاسبنا حسابا يسيرا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون